तो दोस्तों इस वक्त की बड़ी अपडेट आ रही है सभी अभ्यर्थियों को लेकर, नियोजित शिक्षक को लेकर और साक्षर क्षमता रिजल्ट को लेकर। आप सभी को लिए बता दे रहे, पटना हाईकोर्ट में सबसे पहले मुद्दे की बात करते हैं। पटना हाईकोर्ट में ऑर्डर रिजर्व हो गया था, अब ये कहा गया कि कभी भी फैसला आ जाएगा। तो अब मुद्दे की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे साक्षर क्षमता परीक्षा को लेकर, आंसर की के आने के बाद में। दोस्तों उत्तर कुंजी तो फिलहाल आ चुकी है, कल आप लोगों को बताया भी था। उत्तर कुंजी के आने के बाद में अब साक्षर क्षमता परीक्षा को रिजल्ट को लेकर इस वक्त की बड़ी अपडेट आ रही है। ये कहा जा रहा है फिलहाल मेल में तो 60 नंबर पासिंग मार्क थी और फीमेल में 48 नंबर। तो दोस्तों इससे और भी कम नंबर पे दोस्तों अभ्यर्थी को पास करने की बात कही गई। चर्चा चल रही है कि सभी अभ्यर्थियों को साक्षर क्षमता परीक्षा में पास कर दिया जाए और एक दो दिन के अंदर ही अंदर आप सभी का जो साक्षर क्षमता परीक्षा जो रिजल्ट है आजकल में कभी भी अचानक दोस्तों जारी करने की बात कही गई है। मुद्दे की बात करते हैं, पटना हाईकोर्ट में आप लोगों का ऑर्डर रिजर्व हो चुका है नियोजित शिक्षकों को लेकर। यह कहा गया है कि फैसला जो है नियोजित शिक्षक के पक्ष में ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि तीन दिन सुनवाई में आप लोगों का लगातार दोस्तों फैसला जो है नियोजित शिक्षक के सपोर्ट में ही रहा है। तो अब सीधा नियोजित शिक्षक बिना परीक्षक राज्य कर्मी की दर्जा देखने को मिल सकता है। ऑर्डर जैसे आएगा इस चैनल पर अपडेट किया जाएगा। फिलहाल काफ़ी कम नंबर पे इस बार आप सभी अभ्यर्थियों को साक्षर क्षमता परीक्षा में पास करने की बात कही गई है। तो रिजल्ट जैसे आएगा अचानक इस चैनल पर अपडेट आपको सबसे पहले किया जाएगा।